हाय फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग इस कैरेक्टर का जो कुछ और एसेट्स बच चुका है वो हम लोग तैयार करेंगे। तो आज हम लोग इसका ये जो कैप है आप देख रहे हैं, ये कैप रेडी करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल है, शिफ्ट ए प्रेस कीजिए और यहाँ से जो हमारे यू स्फीयर है इसको हम लोग ले लेते हैं और इसकी वैल्यू इतने ही रहते हैं। राइट क्लिक करके शेड स्मूथ, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का कैप तैयार हो, इस तरह का, तो इस तरह के करने के लिए इसकी वैल्यू को अगर मैं 12 कर देता हूँ तो ये ऐसा हो गया। राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर देता हूँ। बहुत तरीका है कैप तैयार करने का, बट हम लोग इसका यूज़ करेंगे। इसको ऊपर लेके आते हैं और एस प्रेस करते हैं और साइड में ले जाते हैं कि कैप कितना बड़ा रहेगा। टैब प्रेस करके और टॉगल एक्स्ट्रा मोड में आते हैं और इसका यहाँ तक कैप रहेगा, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, मेरा ये टॉगल एक्स्ट्रा ऑन है। ठीक है, राइट क्लिक करके डिलीट वर्टिसेस पे क्लिक करता हूँ। तो ये इस तरह का कुछ बन चुका है। आप चाहते हैं तो शेड फ्लैट भी कर सकते हैं, तो वापस हमने पोजिशन में मकड़ी का जाल लगेगा ये, तो यही ठीक है। इसको ऊपर में आते हैं और ये वाला ऑप्शन है, क्योंकि कैप जो होता है उसके ऊपर क्या होता है, अल्ट प्रेस करके नहीं हो रहा है तो सी प्रेस कीजिए, सबको सेलेक्ट कर लीजिए और 7 प्रेस कीजिए। पहले मैं इसको थोड़ा इधर लेता हूँ और आई प्रेस करके इस तरह से इंसर्ट कीजिए और थोड़ा ई प्रेस करके ऐसे रख लेते हैं और फिर 7 प्रेस करते हैं, आई प्रेस करके थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं और एस। तो ताकि थोड़ा वो कैप टाइप का नजर में आए, इसको सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल 1 प्रेस कीजिए और बैक साइड में क्या होता है, ये कैप थोड़ा कटा सा रहता है तो वो हम लोग रेडी करेंगे। वैसे कोई दिक्कत नहीं, फिर भी बता दो करना कैसे है। इसको सिलेक्ट कीजिए, इसको 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 सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक करके सब डिवाइड कर दीजिए। सब डिवाइड हो चुका है, अब इस दोनों पार्ट को लीजिए और यहाँ से डिलीट कर दीजिए। देख रहे हैं, इस तरह का कुछ रहता है पीछे से, हमने वो यहाँ पे तैयार किया। यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए और एडिट मोड में आइए, इसको वाटर सिलेक्शन मोड में जाइए आप और अभी हमको सामने वाले के इतने फेस को सिलेक्ट करना है। 7 प्रेस करके देखिए, इतना हमने सिलेक्ट कर लिया और ई प्रेस करके, अगर कंट्रोल जेड, हमको सीधा ई प्रेस करके बाहर की तरफ लेना है। एस्केप प्रेस कीजिए और वाई एक्सिस में इसको लेके जाइए, फिर ई प्रेस कीजिए, फिर वाई एक्सिस में इसको लेके जाइए। इसका कैप देख लेते हैं हम लोग थोड़ा, इस तरह का ये कैप बनाया हुआ है। और मैं अब देखता हूँ तो देख रहे हैं इसका कैप तो रेडी हो चुका है, बट इसके अंदर जो स्मूथनेस है ना वो नहीं आ रही है हमारे पास, पर वो भी तो स्मूथ नहीं है, इस कारण से ये ऐसे ही बना हुआ है। तो इसलिए हम लोग ऐसे भी करते हैं, स्मूथ लाने के लिए सिंपल सा बहुत तरीका है, इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जाके एक सब डिवीजन मॉडिफायर को लगाते हैं। जैसे आप लगाएंगे और इसकी वैल्यू को 2 करेंगे तो कैप फुल्ली स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, बट प्रॉब्लम यह है कि इसके अंदर क्या है, एक हमको सॉलिडिफाई लगाना पड़ेगा क्योंकि कैप बिल्कुल ही पतला है, इसके अंदर कुछ है नहीं। तो इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर इसकी वैल्यू को मैं 1 ही रखता हूँ और यहाँ पे हम सॉलिडिफाई पे क्लिक करेंगे और जैसे मैं इसको इंक्रीज करूँगा, देख रहे हैं ये हो चुका है, और इस सॉलिडिफाई को अगर मैं ऊपर करूँगा तो कैप ज़्यादा ही स्मूथ हो जाएगा। तो हमने कैप को रेडी कर लिया है, अब मैं इसके सर के ऊपर लगा देता हूँ इसको और यहाँ पे देखते हैं, एस प्रेस करके छोटा करते हैं
एस्प्रेसो थोड़ा सा बड़ा, इसका देखते हैं तो ये कान तक आया हुआ है। तारिक एंगल से क्या है ना, हम इसको बैठा देना। ये हमारा कैप रेडी हो चुका है, ठीक है। और इसके कैप को हम थोड़ा इधर मूव कर देते हैं, तो इस तरह से ये तैयार हो चुका है। इसको यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे न्यू मेटल लेते हैं, इसको ब्लैक कर देते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे, मेटल में जाते हैं और यहाँ पे जो हमारा स्पेकुलर है इसको कम कर देते हैं। इस तरह का ये कैप रेडी हो जाएगा। अब मान चलिए ऐसा कुछ लोगो है, तो इसको सेलेक्ट कीजिए, टैब प्रेस कीजिए और मैं लोगो लगाना ही बता देता हूँ। यहाँ पे जाते हैं, सी प्रेस करके जहाँ पे लोगो लगाना है इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। मेटल पे गए हैं और यहाँ पे न्यू मेटल लिया और न्यू पे क्लिक करेंगे। बेस कलर में जाएंगे और यहाँ पे इमेज टेक्सचर पे क्लिक करेंगे। अब मैं एक इमेज ओपन करता हूँ मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ तो ये इमेज आ चुकी है। अगर मैं असाइन करता हूँ तो ये यहाँ पे है। तो अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, यूवी एडिटिंग में जाना पड़ेगा और जिस जगह पे इसका लगाना है वो देखना पड़ेगा। तो देख रहे ये यहाँ पे है, इसको सेलेक्ट करता हूँ एल प्रेस करके और जी प्रेस करके यहाँ पे मूव करता हूँ और यहाँ से मैं यहाँ पे देखता हूँ तो लोगो यहाँ पे आ रहा है। तो ये इस तरह का लोगो है। बट इशू यह है कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो इसको क्या करते हैं, हम फोटोशॉप में जाके इसको ट्रांसपेरेंट करते हैं, उसके बाद से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। अगर मैं एस एक्सप्रेस करूं तो ये छोटा हो जाएगा। देख रहे हैं ये इस तरह से इसके ऊपर लोगो फिट हो जाएगा। तो इसको भी ट्रांसपेरेंट करने का सिंपल सा तरीका है, आप फोटोशॉप का यूज़ कीजिए और इसको यहाँ से हटा सकते हैं या तो गूगल से कुछ ट्रांसपेरेंट इमेज को डाउनलोड करके इसके ऊपर सीधा लगा सकते हैं, या इसका जैसे इसका बैकग्राउंड ही ब्लैक हो तो इसके साथ ही मैच कर जाएगा। अगर मान के चलिए मैं इस कैप को लेता हूँ, अगर मैं इसको जो मेटेरियल है इसको फुली वाइट कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि ये कैप कितना अच्छा लुक दे दिया, क्योंकि इसके साथ में इसका कलर मैच कर गया है। तो मैं ये बताना चाहता था कि अगर इसका बैकग्राउंड भी ब्लैक ही रहेगा तो आप आराम से इस पर लगाएंगे तो इस पर कोई इशू नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे जाते हैं हम फिर से ब्लैक कर देते हैं तो इस तरह का हमको कुछ नज़र आएगा कैप, और ये भी डिज़ाइन अच्छे ही लग रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को देखकर प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए और अगर कोई इशू आती है तो मेरे को ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो मेनली हमारा कैरेक्टर रेडी हो चुका है और मैं इसी कैरेक्टर में आपको, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, कैप नेम ओवर है तो कैप को सेलेक्ट कीजिए और एन प्रेस कीजिए, कंट्रोल ए प्रेस करके ट्रांसफॉर्म टू ऑल डेल्टा पे क्लिक करेंगे तो वैल्यू भी रिसेट हो जाएगी और ये भी बना रहेगा। तो इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल पी कीजिए और ऑब्जेक्ट कर दीजिए। अब अगर मैं मूव करूँ तो साथ में ये मूव हो रहा है, तो हमारा कैरेक्टर 3 भी रेडी हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में।